की केजरीवाल हंगा उपस्थित असा आमका ते आता संबोधित करतले। हाँ रामचंद्र गर्दे जी हंका विनंती करता कि तेंचानी पुष्पगुच्छ दिन तेंचे स्वागत करचे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम। एक बार अभी हम लोगों ने भारत माता का जयकारा लगाया था, एक बार और जोर से लगाएंगे पूरे दिल से, मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की जय। इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। इस बार अपने को चुनाव में पूरा सिस्टम बदलना है तो पूरे जोश के साथ हम सब लोग 14 तारीख को वोट डालने के लिए जाएंगे। अभी तक गोवा में 27 साल कांग्रेस ने राज किया। 1961 में गोवा का लिबरेशन हुआ था। 1961 के बाद से आज तक 27 साल 27 इयर्स गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया। 27 इयर्स कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी ने राज किया। 15 साल एमजीपी ने राज किया। तो आज गोवा की जो हालत है, इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, लाइट आती नहीं है, पानी आता नहीं है, आज गोवा की जो हालत है उसके लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार है, ये सारी पार्टियां जिम्मेदार है। आज कहते हैं गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 24,000 करोड़ रुपए का गोवा के ऊपर कर्जा है। 24,000 करोड़ कोई कम नहीं होता, बहुत पैसा होता है। ये 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे, कहां गया इतना सारा पैसा, कभी सोचा आपने? पिछले 25-30 साल से पूरे गोवा के अंदर एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी। जब कुछ भी काम नहीं करा इन्होंने 25-30 साल में, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया, फिर कहां खर्च किया इन्होंने पार्टियों ने? ये सारा पैसा इनके स्विस बैंकों के अंदर गया, ये सारा पैसा ये नेता खा गए, ये सारा पैसा ये पार्टियां खा गई। मेरे को एक, आज मैं एयरपोर्ट पे जब उतरा कुछ लोगों से बात कर रहा था तो एक आदमी कहता है कि सर ये जितनी पार्टियां हमारी गोवा में, इनमें से टॉप की जितनी लीडर्स हैं हर पार्टी के, उनमें से किसी पार्टी के लीडर से ये पूछिए कि भाई साहब आपकी टोटल संपत्ति कितनी है, जरा आप कैलकुलेट करके बताओ। बोला ये अपनी संपत्ति कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्होंने इतना कमा लिया इतना कमा लिया, स्विस बैंक में पैसा है, न्यूजीलैंड में मकान है, अमेरिका में प्रॉपर्टी है, इधर प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीद रखी है, कितना पैसा इन लोगों ने कमा रखा है। ये 24,000 करोड़ रुपया गोवा के लोगों का था, ये पैसा सारा इन नेताओं ने खा लिया। पिछले 5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम क्या सुनते हैं, क्या किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 साल में? किसी को नौकरी दी? नहीं दी। कुछ किया इन्होंने गोवा के लिए? क्या सुनते हैं? इन्होंने जॉब स्कैम किया, एक एक बच्चे से नौकरी देने के लिए पैसे लिए, रिश्वत लिए, इन्होंने लेबर स्कैम किया, इन्होंने गार्बेज स्कैम किया। मेरे पास लिस्ट है स्कैम्स की, कोई एक इनका मंत्री मटका किंग है, एक ने जॉब स्कैम किया, एक ने पावर स्कैम किया, एक ने लेबर स्कैम किया, एक ने कचरा स्कैम किया, एक ने वेंटिलेटर स्कैम किया, एक ने ऑक्सीजन, इन्होंने स्कैम करने के अलावा कुछ नहीं किया।
और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी वो भी स्कैम करती थी। इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? हाथ खड़े करके बताओ, इसे बदलना है, सिस्टम बदलना है कि नहीं बदलना है? पहले दिल्ली में भी यही हाल था, दिल्ली में भी पहले कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी दो ही पार्टियां थी। और पहले दिल्ली को भी, पूरे देश में दिल्ली को कैसे जानते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी किट घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, पूरे देश के अंदर दिल्ली को जानते थे लोग, घोटालों की सरकार है। आज पूरे देश में लोग दिल्ली को कैसे जानते हैं? केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिए, केजरीवाल ने बिजली अच्छी कर दी, केजरीवाल ने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। जानते हैं कि नहीं जानते? गोवा को भी बदलना है, गोवा को भी बदलना है, ये पूरा घोटाला खत्म करना है। ये जो गोवा का सारा पैसा स्विस बैंकों में जाता है, इन नेताओं की जेब में जाता है, इसकी डायरेक्शन उल्टी करके अब ये पैसा जनता की तरफ जाया करेगा, जनता पे खर्च होना शुरू होगा। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। ये लोग सारे नेता, सारी पार्टियां मिलकर खूब गाली देते हैं मेरे को। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को राजनीति नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। मैं आज आपके सामने 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं, 10 पॉइंट्स। आप मुझे बताना ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, अभी तक जितनी सरकारें आई 1961 के बाद से, सारी घोटालों की सरकारें थी इन पार्टियों की। आम आदमी पार्टी गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएगी, पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएगी। मैंने एक जगह और बोला, मैंने कहा कि हम पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। एक पत्रकार कहता है, जी क्या गारंटी है कि आपके एमएलए पैसे नहीं खाएंगे? क्या गारंटी है कि आपके मंत्री पैसे नहीं खाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। मैं जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में, 3-4 महीने के बाद एक दिन मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर जनता के बीच में रहता है, जनता मेरे को मैसेज करती रहती है। उस व्हाट्सएप मैसेज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा दिल्ली का फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। अगर मैं चाहता तो उसको दबा सकता था, क्योंकि अभी बाहर नहीं आई थी वो रिकॉर्डिंग। मैंने उसको दबाया नहीं, मैंने 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया और नया फूड मिनिस्टर। तो आज इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा एमएलए या हमारा मंत्री पैसे नहीं लेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर हमारा एमएलए या हमारा मंत्री पैसे लेगा, वो सीधा जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे, कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे, किसी एमएलए को, किसी मंत्री को पैसे नहीं लेने देंगे। और जो आप लोग दफ्तर जाते हो काम कराने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी काम कराना होता है, लाइसेंस बनवाना होता है, राशन कार्ड बनवाना होता है, बिजली का कनेक्शन लेना होता है, पानी का कनेक्शन लेना होता है, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, आज दिल्ली के अंदर कोई पैसा देना नहीं पड़ता। क्यों? हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया दिल्ली में, 1076। आप दिल्ली जाएं तो वहां से फोन करना इस नंबर पे, 1076। आपको दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है, आप इस नंबर पे फोन करो, वहां से पूछते हैं कि सर आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप बोलो कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आती है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कब तक ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे सर? हम किस दिन आपके घर आए आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए? सरकार ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है आपका कार्ड बनाने के लिए? आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आपको दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आता है। आप बोलो कि मेरे तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे मेरे घर आना। रात को 11 बजे भी दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपको घर आएगा आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए, आपके घर आके आपका राशन कार्ड बनाएगा।
हवा में ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये सिस्टम केवल आम आदमी पार्टी लागू कर सकती है और कोई पार्टी लागू नहीं कर सकती। तो पहला, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएंगे। दूसरा, गोवा में इतने पावर कट लगते हैं, 60 साल में पता नहीं इन पार्टियों ने क्या किया, ये एक बिजली नहीं दे पाए गोवा के लोग, इतने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। पहले दिल्ली में भी पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, गोवा को भी 24 घंटे बिजली देंगे। अगर पावर कट चाहिए तो इन पार्टियों को वोट दे देना, 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना। और दिल्ली में एक मैजिक होता है, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल आता है लेकिन जीरो आता है। मैं अपने साथ कई सारे बिजली के बिल लेके आया हूं, जीरो बिजली का बिल। लोगों को यकीन नहीं होता, मैं जहां भी पूरे देश में जाता हूं लोग कहते हैं नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं सर, आप चुनाव आया इसलिए बोल रहे हैं। 35 लाख लोगों के, 35 लाख फैमिलीज इन दिल्ली, 35 लाख फैमिलीज इन दिल्ली, उनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। ये देखिए कई सारे बिल लेके आए, उनके सबके जीरो बिजली के बिल है, किसी की 150 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली इन्होंने इस्तेमाल की है। गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, ये एक मैजिक है। ये मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। तीसरी बात, 2012 में माइनिंग बंद हुई थी, आज 10 साल हो गए, 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 साल में इनसे माइनिंग चालू नहीं हुई। अब अगर इनको दोबारा वोट दे दोगे तो ये 5 साल और माइनिंग, जिनसे 10 साल नहीं काम हुआ तो 5 साल में क्या काम होगा? 10 साल दिया ही लोगों को, 10 साल में ये माइनिंग शुरू नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि माइनिंग चालू होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है माइनिंग चालू, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बीजेपी वाले? क्यों नहीं माइनिंग चालू कर रहे? मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन लोगों में चर्चा है कि सेटिंग नहीं हो पा रही है। किस कंपनी को दें, इसको दें कि उसको दें, इससे सेटिंग नहीं हो रही, उससे सेटिंग नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी किसी से सेटिंग नहीं करती, हमारी सेटिंग गोवा के लोगों से है। 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर माइनिंग चालू कर देंगे। बीजेपी को वोट दोगे तो अगले 5 साल माइनिंग चालू नहीं होनी, 10 साल उन्होंने नहीं किया, और नहीं करने, उनके बस की बात नहीं है। उनके अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो कह रहा है इस कंपनी को दो, वो कह रहा है इस कंपनी को दो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर माइनिंग चालू करेंगे। आप में से बेरोजगार कौन कौन है जरा हाथ खड़े कर दीजिए, जिनके घर में बेरोजगार है, इन्होंने आप लोगों को रोजगार नहीं दिया, बीजेपी ने आप लोगों को रोजगार नहीं दिया, कांग्रेस ने आप लोगों को रोजगार नहीं दिया। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया है, 10 लाख बच्चों को हमें रोजगार देना आता है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अगर गोवा के अंदर बेरोजगारी और बढ़ानी है, अगर बेरोजगार रहना है तो इनको वोट दे देना, और अगर रोजगार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक हमने ऐलान किया है कि 3000 रुपीज पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जब तक माइनिंग शुरू नहीं होगी हर माइनिंग डिपेंडेंट फैमिली को हम 5000 रुपए पर मंथ उनके खर्चे के लिए देंगे, जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती है। अब एक आदमी की जरूरत होती है कि अपने बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, कोई घर में बीमार हो जाए उसको अच्छा इलाज मिले, रोजगार होना चाहिए, घर होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, लेकिन हर आदमी की जरूरत होती है अध्यात्म की भी, स्पिरिचुअलिटी। आप में से कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है श्री रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, हाथ खड़े करें। कौन कौन शिरडी बाबा जाना चाहता है? कौन कौन अजमेर शरीफ जाना चाहता है? कौन कौन वेलंकनी जाना चाहता है चर्च?
दिल्ली में हम लोगों ने एक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसमें हम दिल्ली के लोगों को पूरे देश में जगह जगह तीर्थ यात्रा करवा के लाते हैं। अयोध्या ले जाते हैं, द्वारका ले जाते हैं, पुरी ले जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर शरीफ, वेलंकनी, करतारपुर साहब, एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं। आना जाना खाना पीना सब फ्री होता है, सारा सरकार देती है। अभी तक 40,000 लोगों को हमने तीर्थ यात्रा करवाई है। ट्रेन जाती है, मैं छोड़ने के लिए जाता हूं उनको स्टेशन पे, और जब वो आते हैं वापस, उनके शक्ल देखनी चाहिए आपको, इतना आनंद होता है उनके, इतने खुश होते हैं लोग। गोवा के अंदर तीर्थ यात्रा योजना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अयोध्या जाना है, शिरडी जाना है, वेलंकनी जाना है कि नहीं जाना, अजमेर शरीफ जाना है कि नहीं जाना? तो आम आदमी पार्टी की सरकार, ये इतना इन लोगों ने मुझे गाली दी जब हमने अयोध्या का शुरू किया कि अयोध्या तीर्थ यात्रा योजना जब हमने शुरू की, इन सारी पार्टियों ने मेरे को खूब गाली दी कि केजरीवाल क्यों तीर्थ यात्रा कराता है, पैसे बर्बाद कर रहा है, लोग अपने से जाएं, लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा हर आदमी को भगवान ने इतना नहीं दिया कि हर आदमी तीर्थ यात्रा कर सके दूर दूर के। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जो बेचारे तीन तीन चार चार साल पैसे इकट्ठे करके फिर पूरा परिवार तीर्थ यात्रा जाता है। अगर सरकार गरीब आदमी को तीर्थ यात्रा पे ले जाए, इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है, लोग आशीर्वाद देते हैं, लोगों के आशीर्वाद देने से सरकार में बरकत होती है। आज यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, यहां पे जो गृह आधार योजना है, मुझे पता चला कि कई कई महीनों तक महिलाओं को पैसा नहीं मिलता गृह आधार का। ऐसा है क्या? कई कई महीनों तक नहीं मिलता। हमारी सरकार आएगी, हम गृह आधार को 1,500 से बढ़ा के 2,500 करेंगे और हर महीने की 5 तारीख तक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। और जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती है, जिन बेटियों को, जिन महिलाओं को, जिन माताओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती है, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा महिलाएं हाथ खड़े करके बता दीजिए। सब मेरे को गाली देते हैं सारी पार्टियां की, केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, गोवा में 15 लाख लोग रहते हैं। हमने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए ये योजना निकाली है कि हर आदमी का पूरा इलाज, अगर घर में कोई भी बीमार होगा, किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारा इलाज सरकार करवाती है। अगर आपको छोटा सा बुखार है तो पूरे इलाके में, हमने पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट मुफ्त है। आपको बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गई, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, आप बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाइए, 70 लाख का, 80 लाख का भी खर्चा आएगा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गोवा के अंदर भी करेंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। आज दिल्ली, पहले दिल्ली में सरकारी स्कूल ऐसे ही थे जैसे गोवा के अंदर है, बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गोवा के अंदर भी नए सरकारी स्कूल बनाएंगे और बहुत अच्छे करेंगे। लैंड राइट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 60-60 साल से इन पार्टियों ने उनको जमीनों का हक नहीं दिया, मालिकाना हक नहीं दिया, जबकि मैंने इसका पूरा मामला स्टडी किया और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर उन सबको लैंड राइट्स दिए जा सकते हैं। उनको इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि इन पार्टियों के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वो छोड़ना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने के अंदर सबको लैंड राइट्स दिलवाएंगे। और जितनी सड़कें टूटी हुई हैं वो सारी सड़कों की रिपेयर कराएंगे, वो सारी सड़कें ठीक कराएंगे। तो ये टोटल 10 पॉइंट एजेंडा मैंने आपके सामने रखा। मैंने आपको बताया आपको फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, आपके बच्चों को फ्री में अच्छी शिक्षा मिलेगी स्कूलों में, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, महिलाओं को 1,000 रुपया मिलेगा,
इस सारे को अगर टोटल करें, कैलकुलेट करें, तो एक साल में एक फैमिली को कम से कम 2 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होगा, 2 लाख रुपए का। 5 साल में 10 लाख रुपए का बेनिफिट होगा अगर ईमानदार सरकार आएगी तो। अब मैं सोच रहा हूं आपके मन में ये चल रहा होगा, केजरीवाल आया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, चल रहा है ना मन में, चुनाव का टाइम है, कुछ भी बोल दो, क्या गारंटी है कि हम करेंगे? ये गारंटी तो पक्की है कि ये नहीं करेंगे, 60 साल में इन्होंने नहीं किया। ये गारंटी पक्की है कि कांग्रेस नहीं करेगी, ये गारंटी पक्की है कि बीजेपी भी नहीं करेगी, इन्होंने 60 साल में नहीं किया। ये गारंटी पक्की है कि एमजीपी भी नहीं करेगी, तो एक बार नई पार्टी को ट्राई करके देख लेते भाई। ट्राई करने में हमने दिल्ली में किया, दिल्ली में मैं करके आ रहा हूं, ये सारी चीजें हमने दिल्ली में की हैं, एक एक चीज जो मैंने अभी बोला सारी चीजें दिल्ली में की हैं, दिल्ली में करके आ रहा हूं। अगर आपके दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, एक फोन करके पूछ लेना मुझसे, मैं आज बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, एक फोन करके दिल्ली में किसी से भी पूछ लेना कि क्या केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम करता है। अगर वो कहे कि अच्छा काम नहीं करता, मुझे गोवा में वोट मत देना। इतना बड़ा चैलेंज कोई पार्टी नहीं दे सकती। आप दिल्ली के किसी आदमी से फोन करके पूछ लेना, उससे पूछना क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल अच्छा काम करता है। अगर वो बंदा कह दे कि अच्छा काम नहीं करता, दिल्ली के लोग मेरे से बहुत खुश है, दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो एक मौका आप गोवा के अंदर दीजिए। ये पक्की बात है, ये पार्टियां कुछ नहीं करने वाली है। जो 24,000 करोड़ का कर्जा आज गोवा के ऊपर चढ़ा है, ये 24,000 करोड़ अगले 5 साल में 50,000 करोड़ हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। आप एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, ईमानदार सरकार बनाएंगे, ये सारे प्रोमिसेस पूरे करेंगे। अगर हम ये सारे प्रोमिसेस पूरे ना करें, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों के पास। यहां पे बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी होंगे, बहुत सारे कांग्रेस के वोटर्स भी होंगे, बहुत सारे एमजीपी के वोटर्स भी होंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है, मैं आपको पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए, मैं आपको आम आदमी पार्टी में आने को भी नहीं कह रहा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार एक बार आप सारे लोग झाड़ू का बटन दबा देना, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे एमजीपी वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, सब लोग मिलके एक बार झाड़ू का बटन दबा दें, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, गोवा की खातिर। एक मौका देके देखिए आप आम आदमी पार्टी को, एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। जब हमने सारी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया, एक नई पार्टी को ट्राई करने में इस बार कोई हर्ज नहीं है। एक चांस आप देखे देखिए। जैसा मैं अभी बता रहा था, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे कुछ लोग मिले, मैं उनके साथ बैठ के गप्पे मार रहा था, तो मैंने उनमें से एक से पूछा, मैंने कहा भाई किसको वोट दोगे? तो बोला सर झाड़ू को। तो मैंने कहा वो तो फिर आखिरी दिन पैसा लेके आते हैं, दारू बांटने आएंगे, फिर क्या करोगे? तो बोला सर दारू और पैसा उनसे ले लेंगे, बटन झाड़ू का दबा देंगे। तो मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है, पैसा नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा दारू नहीं लेनी चाहिए। फिर मैंने उसको सारा समझाया, मैंने कहा देखो हम फ्री बिजली देंगे, फ्री स्कूल देंगे, फ्री हॉस्पिटल देंगे, तो 10 लाख रुपए बचेंगे तुम्हारे, 10 लाख रुपए बचेंगे, वो कितना 2,000 रुपए दे देंगे, एक वोट के 1,000 रुपए दे देंगे, 2,000 रुपए लेके क्या करोगे? तो कहता है सर उनसे 2,000 रुपए भी ले लूंगा, आपसे 10 लाख रुपए भी ले लूंगा। मैंने कहा कैसे कैसे? चुनाव के पहले उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू का बटन दबा दूंगा, आपकी सरकार बना दूंगा, फिर आप मेरा 10 लाख रुपए का फायदा करा देना। तो जब कोरोना हुआ था पिछली बार, आपको याद होगा कोरोना के टाइम में किस पार्टी ने आपका साथ दिया था? केवल आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने घर घर जाके लोगों का राशन बांटा था कि नहीं बांटा था? लोगों ने के घर घर जाके राशन बांटा था,
ऑक्सीमीटर लेके गए थे, दवाई लेके गए थे, क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हमें आपके परिवार की चिंता है, हमें आपकी जिंदगी की चिंता है, हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। उस टाइम बाकी पार्टियां क्या कर रही थी? बीजेपी कहां थी उस टाइम? कांग्रेस कहां थी उस टाइम? एमजीपी कहां थी उस टाइम? गोवा की सरकार कहां थी उस टाइम? किसी ने आपका ख्याल नहीं रखा। हम वोट मांगने नहीं आए थे, हम उस टाइम केवल आपका ख्याल रखने के लिए आए थे। केवल आम आदमी पार्टी है जो इंसानियत का काम करती है, जो ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ी होगी। कल कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपके साथ खड़ी है। तो आपने 25 साल 27 साल कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल बीजेपी को मौका दिया, 15 साल आपने एमजीपी को मौका दिया। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, 5 साल के बाद आप दूसरी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। दिल्ली के अंदर लोगों ने हमें एक मौका दिया था, उसके बाद जितने चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की वहां 0 सीट आती है दिल्ली में, बीजेपी की 3 सीट आई थी दिल्ली के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां परमानेंटली साफ हो गई दिल्ली से, अब उनका अस्तित्व तो खत्म हो गया। गोवा के अंदर आप एक मौका देखो, सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल आम आदमी पार्टी बचेगी।